और पिता आर्य समंदर के बीच एनसीबी ने मुंबई में एक बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया। मुंबई से गोवा के लिए निकले क्रूज पर चल रही हाई प्रोफाइल ड्रग्स पार्टी में रेड की गई। 7 से 8 लोगों को एनसीबी ने हिरासत में लिया। हशीश एमडीओ कोकीन की बड़ी खेप क्रूज से बरामद की गई। देर रात एनसीबी की टीम मुंबई दफ्तर पहुंची। हालांकि हिरासत में लिए गए 2 लोगों को दफ्तर पहुंचने के बाद छोड़ दिया गया। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पकड़े गए लोगों में एक बॉलीवुड स्टार का बेटा भी शामिल है। अभी तक इस मामले में किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। तो क्रूज पर दरअसल ये ड्रग्स पार्टी चल रही थी। 7 से 8 लोग हिरासत में लिए गए हैं। अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। 2 लोगों को जो पकड़े गए थे, जो हिरासत में लिए गए थे, उन्हें छोड़ दिया गया है एनसीबी की तरफ से। और ये जानकारी मिल रही है कि भारी तादाद में यहां से ड्रग्स बरामद हुए हैं। और ये पार्टी दरअसल एनसीबी की टीम जो है वो खुद यहां पर पहुंचती है। और जब ड्रग्स का ये काला खेल वहां शुरू होता है, उसके बाद रंगे हाथ कुछ गिरफ्तारियां, माफ कीजिए, कुछ लोगों को हिरासत में ली गई हैं। अभी तक फिलहाल कोई गिरफ्तारी हुई नहीं। ड्रग्स पार्टी से जब्त की गई नशे की खेप और हिरासत में लिए गए लोगों को लेकर एनसीबी टीम देर रात एनसीबी दफ्तर पहुंची। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता मुस्तफा शेख। शनिवार के दोपहर में एक लग्जरी क्रूज पर एनसीबी मुंबई की टीम पहुंचती है और वहां से ड्रग्स रिकवर किए जाते हैं, जिसके बाद रात को 7 से 8 लोगों को गिरफ्त में लिया जाता है, एनसीबी ऑफिस लाया जाता है। उनसे अभी तक पूछताछ चल रही है, किसी को भी गिरफ्तार नहीं दिखाया गया है। कई नामी गिरामी हस्तियां इन लोगों में मौजूद है, ऐसा कहा जा रहा है। 1000 लोगों की कैपेसिटी वाला क्रूज था। 400 से 500 लोगों की ये शिकायत थी कि उन्हें बोर्डिंग पास नहीं मिला, जिसके चलते वो क्रूज में नहीं जा पाए। एनसीबी के सामने बड़े सवाल ये है कि किस तरह से ड्रग्स क्रूज के अंदर तक पहुंचे और वो कौन लोग थे जिन्होंने ये ड्रग्स सप्लाई किया था। तकरीबन 1 साल से एनसीबी की बड़ी कार्रवाई मुंबई में चल रही है और इस बार हाई सोसाइटी में ड्रग्स का जो यूज है उसको एनसीबी ने एक्सपोज किया है। कैमरा पर्सन राजू रेवनकर और एजाज खान के साथ मुस्तफा शेख, आज तक। एनसीबी के मुताबिक ड्रग्स पार्टी से 7 से 8 लोग हिरासत में लिए गए। नशे की खेप भी बरामद हुई। और क्या कुछ कहा एनसीबी जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े ने, आपको सुनाते हैं। कुछ लोगों को इंटरसेप्ट किया है, घूम नीचे लो, और उनकी इन्वेस्टिगेशन चालू है। अभी कुछ भी कहना, इट विल बी वेरी प्रीमैच्योर। मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा इस बारे में। हाँ, ड्रग हैज बीन रिकवर्ड और के ये सब मैं नहीं बता पाऊंगा आपको। आई विल प्रॉपरली इशू एंड सर, कितने लोग तावे में लिए गए? 8 से 10 जनों को अभी वी आर इन्वेस्टिगेटिंग। सर, सेलिब्रिटी भी है? अभी कोई मैं इस बारे में कमेंट नहीं करूंगा। मुस्तफा हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ भी चुके हैं। मुस्तफा, अभी ताजा अपडेट क्या है? क्या कोई गिरफ्तारी हुई है या किसी नाम का खुलासा हो पाया है कि किनकी किनकी गिरफ्तारी हो सकती है, या अभी जो लोग हिरासत में लिए गए वो कौन है? जी बिल्कुल, क्योंकि कुछ घंटों पहले देर रात को जोनल डायरेक्टर निकले हैं, इसीलिए इस मामले में जब तक वो वापस नहीं आते तो सुबह में कोई डेवलपमेंट होना मुश्किल दिख रहा है। फिलहाल इस वक्त हम एनसीबी ऑफिस मुंबई के बाहर मौजूद है, जो 8 से 10 लोगों को डिटेन करने की बात सामने आ रही है। वो लोग यहीं पर इसी बिल्डिंग में टॉप फ्लोर पर जो एनसीबी का ऑफिस है वहाँ पर मौजूद है। लगातार उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जा रहा है, उन लोगों ने ड्रग्स कहाँ से हासिल किया इस बारे में जानकारी की जा रही है इकट्ठा। और साथ ही साथ एनसीबी ने पहले भी काफ़ी वक्त के बाद लोगों को अरेस्ट दिखाया है। कभी कभी 24 घंटे डिटेन करने के बाद अरेस्ट दिखाया गया है। तो ये एनसीबी इस मामले में जल्दबाजी करेगी ऐसा लग रहा नहीं है, क्योंकि हाई प्रोफाइल केस निकल कर ये सामने आया है। कई नामचीन लोग इससे जुड़े हुए हैं। एनसीबी ये कोशिश करेगी कि उनके पास पुख्ता सबूत हो, उसके बाद ही अगर किसी को गिरफ्तार किया जाना है तो उसकी गिरफ्तारी हो। गिरफ्तारी अगर हो जाती है उसके बाद मेडिकल टेस्ट हॉस्पिटल में कराया जाएगा और फिर कोर्ट में पेशी होगी, जहाँ पर बेल मिलना इनका मुश्किल है। 1 से 2 दिन की पुलिस कस्टडी होगी, उसके बाद ही आगे की प्रक्रिया पूरी शुरू की जाएगी। ये बात तो तय है कि एनसीबी इस मामले में एनडीपीएस के तहत मामला दर्ज करेगी, क्योंकि क्रूज से ड्रग्स बरामद किया गया है और इसीलिए ये मामला तो दर्ज है। तो अब पजेशन का केस कितने लोगों के ऊपर बनता है, किसी के ऊपर सप्लाई का केस बनता है या नहीं, उसके बाद इस पूरे केस की चेन ढूंढते हुए एनसीबी उन लोगों को भी गिरफ्त में लेगी जिन लोगों ने
इन जो लोग आए थे क्रूज पर उनको ड्रग्स सप्लाई किए थे। तो ये पूरे मामले में थोड़ा अभी वक्त लग सकता है, ऐसा हम मानकर चल रहे हैं। मुस्तफा, आप रहिए जरा साथ। वही मुंबई में एनसीबी ने एक बड़े सीक्रेट मिशन को अंजाम दिया। समंदर में क्रूज पर चल रही हाई प्रोफाइल ड्रग्स पार्टी पर एनसीबी ने मारा छापा। वहां पर भारी मात्रा में नशे की खेप बरामद की गई। सूत्रों के मुताबिक एनसीबी ने बॉलीवुड के एक सुपर स्टार के बेटे को हिरासत में लिया। एनसीबी के मुताबिक 7 से 8 लोग हिरासत में लिए गए। समंदर में एनसीबी का यह पहला और बड़ा ऑपरेशन है। समंदर की लहरों पर गोते खाता जहाज और उस जहाज पर एक हाई प्रोफाइल पार्टी, ऐसी पार्टी जिसका सुरूर उस पार्टी में मौजूद हर शख्स के सिर चढ़कर बोल रहा था। इस पार्टी में मौज मस्ती और सुरूर के लिए सब कुछ मौजूद था। जी हाँ, सब कुछ, क्योंकि ये एक ड्रग्स पार्टी थी। कॉर्डेलिया क्रूज कंपनी का ये वही शिप है जिस पर एनसीबी की टीम ने एक बड़े सीक्रेट ऑपरेशन को अंजाम दिया। जांच एजेंसी को खबर मिली कि मुंबई से गोवा जाने वाले शिप में ड्रग पार्टी प्लान की गई। खबर मिलते ही एनसीबी हरकत में आई और कुछ अधिकारी यात्री बनकर शिप में सवार हो गए। जैसे ही शिप समंदर के बीच पहुंचा, ड्रग्स पार्टी शुरू हुई। इस पार्टी में बड़े स्तर पर ड्रग्स का सेवन हो रहा था। खबर पुख्ता होते ही एनसीबी हरकत में आई और आरोपियों को रंगे हाथों पकड़ लिया गया। शनिवार के दोपहर में एक लग्जरी क्रूज पर एनसीबी मुंबई की टीम पहुंचती है और वहां से ड्रग्स रिकवर किए जाते हैं, जिसके बाद रात को 7 से 8 लोगों को गिरफ्त में लिया जाता है, एनसीबी ऑफिस लाया जाता है। उनसे अभी तक पूछताछ चल रही है, किसी को भी गिरफ्तार नहीं दिखाया गया है। कई नामी गिरामी हस्तियां इन लोगों में मौजूद है, ऐसा कहा जा रहा है। सूत्रों से मिली खबर के मुताबिक एनसीबी ने एक बॉलीवुड सुपरस्टार के बेटे को हिरासत में लिया है। इसके अलावा 7 से 8 अन्य लोग भी जांच एजेंसी के शिकंजे में हैं। कुछ लोगों को इंटरसेप्ट किया है हमने और उनकी इन्वेस्टिगेशन चालू है। अभी कुछ भी कहना, इट विल बी वेरी प्रीमैच्योर। मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा इस बारे में भी। प्लीज नो, हाँ, ड्रग हैज बीन रिकवर्ड और कि ये सब मैं नहीं बता पाऊंगा आपको। आई विल प्रॉपरली इश्यू एंड सर, कितने लोग तावीज लिए गए? 8 से 10 जनों को अभी वी आर इन्वेस्टिगेटिंग देम। एनसीबी ने पहली बार शिप पर किसी ड्रग्स पार्टी का पर्दाफाश किया है। सूत्रों के मुताबिक हाल ही में इस शिप की ओपनिंग हुई। शिप पर सवार होने के लिए एक टिकट की कीमत थी 80,000 रुपए। कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने टिकट खरीदा लेकिन शिप पर सवार नहीं हुआ। सूत्रों के मुताबिक इस ड्रग्स पार्टी को लेकर ऑर्गेनाइजर्स भी शक के घेरे में हैं। इस ड्रग्स पार्टी से एनसीबी ने भारी मात्रा में हशीश, कोकीन और एमडी बरामद किया है। मुस्तफा शेख, मुनीश पांडे, दिव्येश सिंह, अरविंद ओझा और तंसीम हैदर के साथ आज तक ब्यूरो। समंदर में क्रूज और क्रूज पर शानदार हाई प्रोफाइल पार्टी। पार्टी जितनी हाई प्रोफाइल थी, 3 दिन के सफर का प्लान भी उतना ही शानदार और धांसू था। बीच समंदर में चल रही ड्रग्स पार्टी पर छापा मारकर एनसीबी ने तहलका मचा दिया है। समंदर में एनसीबी का ये अब तक का पहला और बड़ा ऑपरेशन है। शायद किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि क्रूज पर एक हाई प्रोफाइल पार्टी में नशे की इतनी बड़ी खेप मौजूद हो सकती है। न ही किसी को ये अंदेशा था कि एनसीबी को इस ड्रग्स पार्टी की भनक लग गई है। जिस वक्त यात्री पार्टी में शामिल हुए, एनसीबी अधिकारियों ने रेड शुरू कर दी। वहां मौजूद लोगों के होश उड़ गए। हम दिखाना चाहेंगे आपको कि मुंबई इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल है, जहां से जो क्रूज है वो आते जाते हैं और यहीं पर से ये क्रूज गया था और उसके बाद अब माना जा रहा है कि इस क्रूज को यहीं पर वापस लाया जाएगा, क्योंकि इसमें ड्रग्स मिले हैं। ड्रग्स की बरामदी करने के बाद लोगों पर कार्रवाई कर इस क्रूज को वापस लाया जाएगा।
जिस शिप पर ड्रग्स पार्टी चल रही थी वो कॉर्डेलिया क्रूज कंपनी का था और इवेंट का आयोजन फैशन टीवी और दिल्ली की नेमिस्क्रे एक्सपीरियंस नाम की कंपनी ने ऑर्गेनाइज किया था। तीन दिन के इस म्यूजिकल सफर में यात्रियों के एंटरटेनमेंट का फुल पैकेज तैयार किया गया था। क्रेयार्क नाम से ऑर्गेनाइज किए गए इस लग्जूरियस क्रूज इवेंट के पहले दिन मियामी बेस्ड डीजे स्टेन कोलेव और फेमस डीजे ब्राउन कोट के अलावा दीपेश शर्मा का परफॉर्मेंस प्लान किया गया था। दूसरे दिन मेहमानों के लिए दोपहर 1 बजे से रात 8 बजे तक पूल पार्टी का प्लान था, जिसमें आइवरी कोस्ट, डीजे राहुल के, डीजे कोहरा और मोरक्कन आर्टिस्ट कायसा की परफॉर्मेंस रखी गई थी। रात 8 बजे के बाद एफटीपी के शैंपेन ऑल ब्लैक पार्टी का प्लान था। रात 10 बजे से सुबह 7 बजे तक होश स्पेस मोशन पार्टी को रंगीन बनाने वाले थे। क्रूज मुंबई से 2 अक्टूबर को दोपहर 2 बजे रवाना हुआ। 3 दिन का सुहाना सफर 4 अक्टूबर को मुंबई में ही सुबह 10 बजे खत्म होने वाला था, लेकिन पहले ही दिन एनसीबी ने ड्रग्स पार्टी का भंडाफोड़ कर दिया। सूत्रों के मुताबिक पार्टी हाई प्रोफाइल थी और इसमें बॉलीवुड और फैशन जगत के ही नहीं बल्कि बिजनेस वर्ल्ड के भी कई जाने माने लोग मौजूद थे। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक ड्रग्स पार्टी से जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है उनमें बॉलीवुड के एक अभिनेता का बेटा भी शामिल है। एनसीबी के लिए ये एक बड़ी कामयाबी है। एनसीबी सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड केस के बाद से बॉलीवुड में ड्रग्स कनेक्शन तलाश रही है। अब तक कई बड़े लोगों के नाम भी सामने आए हैं। अब सवाल ये है कि पानी के बीचों बीच चल रही ड्रग्स पार्टी में कौन कौन मौजूद था। क्या इन सभी लोगों को पार्टी से पहले ये पता था कि पार्टी में ड्रग्स का इस्तेमाल होने वाला है। एनसीबी ने क्रूज से हशीश, एमडी और कोकीन की बड़ी खेप बरामद की है। ये खेप क्रूज पर कैसे पहुंची, ऑर्गेनाइजर्स और क्रूज कंपनी की इसमें क्या भूमिका है, ये सभी वो सवाल हैं जिनके जवाब एनसीबी की जांच में सामने आएंगे। मुस्तफा शेख, मुनीश पांडे, दिवेश सिंह, अरविंद ओझा और तंसीम हैदर के साथ आज तक ब्यूरो। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, आप देखते रहिए आज तक। आज बंगाल उपचुनाव के लिए वोटों की गिनती होगी। थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे शुरू होगी वोटों की गिनती। सबकी निगाहें इस वक्त उसी सीट पर टिकी हुई हैं, भवानीपुर उपचुनाव के नतीजों पर, जहां से सीएम ममता बनर्जी उम्मीदवार हैं और उनके खिलाफ बीजेपी की प्रियंका टिब्रीवाल मैदान में है। भवानीपुर से ममता बनर्जी उम्मीदवार हैं। सबकी निगाहें आज इस पर, क्योंकि अब से थोड़ी देर में यानी 8 बजे काउंटिंग शुरू होगी। भवानीपुर सीट जो है प्रतिष्ठा का सवाल अब ममता बनर्जी के लिए बन चुका है, क्योंकि अगर मुख्यमंत्री के पद पर आसीन रहना है तो यहां जीत जरूरी है। थोड़ी देर में ही वोटों की गिनती होगी, ईवीएम में कैद है इस वक्त ममता की किस्मत। 8 बजे से काउंटिंग शुरू होगी और उसके बाद रुझान आने शुरू हो जाएंगे, जिससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि कौन आगे कौन पीछे चल रहा है। कुछ वक्त का इंतजार और, यानी सुबह 8 बजे से मतों की गिनती का काम शुरू होगा। उनको टक्कर बीजेपी की तरफ से प्रियंका टिब्रीवाल दे रही हैं, जिन्होंने बार बार अपनी जीत का भरोसा किया है। महिला उम्मीदवार बीजेपी की तरफ से उतारा गया था ममता बनर्जी को टक्कर देने के लिए, तो ये टक्कर कितनी जबरदस्त रही, कौन आगे कौन पीछे, 8 बजे से थोड़े रुझान आने शुरू हो जाएंगे। फिलहाल रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए आज।